से कुशन्स भी बनवाए हैं। स्टीरियो की ना बस एक डीमेरिट है, उसकी भी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एक बार जरा ना इसका इंटीरियर देखो, मुझे सबसे सुंदर यही वाला लगा। ये जो MIDI के चार कंट्रोल्स है ना, ये वर्किंग नहीं है अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो फाइनली आज इंटीरियर की वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मुझे पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा वेट करवाया। सच बताऊं, जब ये इंटीरियर बना रही थी ना, मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड थी आपको दिखाने के लिए कि मैं फटाफट आपके साथ शेयर कर दूं मैंने क्या बनवाया। लेकिन यार मैं चाहती थी कि जब पूरा इंटीरियर कंप्लीट हो जाए ना, तब आपके साथ में शेयर करूं। दिमाग लगाया, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है इस बार मैंने, क्योंकि यूजुअली ऐसा कुछ मैं सेलेक्ट करती नहीं हूं, बट इस बार किया है। मुझे लगता है कि ये इंटीरियर ना डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था ना, उससे भी अच्छा और क्लासी टर्न आउट हुआ ये। बाकी यार अगर आपको ना भी अच्छा लगे ना, प्लीज अपना जेन्युइन ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, और अच्छा लगे तो थोड़ी सी तारीफ कर देना यार, एफर्ट्स लगे हैं। रियली सॉरी आपको इतना वेट कराया, बट फाइनली ना आज आपको इसका इंटीरियर ही दिखाती हूँ। आ जाओ। तो सबसे पहले ना मैं इसका डोर दिखाती हूँ आपको। यार इस बार ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो अटपटा हो या थोड़ा सा मतलब प्ले करने वाली चीज नहीं की है। बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, आप खुद देख ही सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला पैनल पूरा प्लेन आता है Z2 में कंपनी से ही। इसमें कोई भी ट्विटर के लिए प्लेस नहीं आती, क्योंकि इसमें ट्विटर नहीं आता। ये वाला जो ट्विटर था बड़ा सुंदर था, सोनी की ब्रांडिंग के साथ था। इसके अंदर कुछ गोल्डन एक्सेंट भी था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं चाहती थी कि ये चीज दिखे, इसलिए ना मैंने इसको इसी में फिट करवा लिया। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। उससे हुआ ये कि ट्विटर सैश जो आपको टॉप मॉडल वाला अलग से लगवाना पड़ता है ना, उसकी कॉस्ट भी बच गई। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप ऐसे लगवाते हो तो। अब इस पैनल पे आते हैं, जो आपको पूरा ग्रे दिख रहा होगा। एक्चुअल में कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, आइस ग्रे कलर है। मतलब कि व्हाइट में ना दो बूंद ग्रे मिला दो, ऐसा कलर है। हिंट ऑफ ग्रे है इसमें, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। आजकल इंटीरियर्स में भी बहुत चल रहा है, गाड़ियों में भी चल ही रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, ये वाला पैनल और ये वाला पैनल, ये पूरा का पूरा पेंट करवाया गया है। मैंने पहले इस पर सोचा था लेदर चढ़वाने का, लेकिन मैंने लेदर नहीं चढ़वाया, क्योंकि फिर वो ना प्रॉपरली बैठता नहीं है लेदर के साथ, इसलिए वो प्लान हमने कैंसिल करके इसको पेंट करवा दिया। ये वाला पैनल अगर आप देखोगे ना, इस पे हमने लेदर चढ़वाई है सेम आइस ग्रे कलर की, देख सकते हो। डिट्टो कॉपी मैच है, कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। इसके ऊपर हमने ग्रे कलर की ही यहाँ पे स्टिचिंग रखवाई है, क्योंकि यहाँ पे हाथ वगैरह पड़ता है तो सॉफ्ट रहता है, तो ज्यादा बेटर रहता है। और ये वाला पैनल अगर आप देखोगे जो ग्लॉस में है, ये ग्लॉस में नहीं आता है बेस वेरिएंट में, ये ओरिजिनल है। ये भी महिंद्रा जेन्युइन है। और ये जितने आप स्विचेस देख रहे हो ना ग्लॉस में, ये भी ग्लॉस में नहीं आते हैं, ये भी सारे के सारे महिंद्रा जेन्युइन है। चाहिए ORVM के स्विचेस हो, चाहे ये वाले स्विचेस हो। एंड ये ना ORVM के कंट्रोल्स आप देख रहे हो ना, ये भी हमने इंस्टॉल करवाए हैं, क्योंकि ये पैनल पूरा का पूरा क्लोज आता है बेस वेरिएंट पे। जैसे आप ऐसे प्रेस करोगे तो ये अपने आप अनफोल्ड हो जाता है। ये भी ओरिजिनल ORVMs ही है, और जितनी भी वायरिंग है वो भी कंपनी वाली ओरिजिनल ही लगवाई है। और ये वाले जो स्विचेस है ना, ये तक भी ओरिजिनल है। तो ये वाला पूरा पैनल स्विचेस समेत ओरिजिनल है, महिंद्रा जेन्युइन है। इसमें कुछ भी पेंट हमने खुद से नहीं करवाया, पेंट किया हुआ ही आया है। और इसमें जितने भी स्विचेस है सारे के सारे वर्किंग है। ये वाला भी काम करता है और ये लॉक अनलॉक भी काम करता है। अब ये जो आप ग्रैब हैंडल देख रहे हो ना, ये टॉप मॉडल में आपने देखा होगा, बेस में बिल्कुल प्लेन आता है मैट ब्लैक, जो बहुत गंदा लगता है। मेरे को ना सबसे पहले यही चेंज करवाना था, तो ये हमने महिंद्रा जेन्युइन ही लगवाया। इसको मैंने पेंट नहीं करवाया, डायरेक्ट कंपनी से परचेज करके इसको सीधा लगवा दिया है, तो ये कंपनी का ही पार्ट है। अब जो पेंट हुआ है वो आपको दिखाती हूँ। पेंट हुआ है ये वाला पूरा पार्ट, ये जो डोर हैंडल है ये भी पेंट हुआ है। इसके अलावा इसकी जो कटोरी है ना, जिसके अंदर ये डोर हैंडल प्लेस होता है, इसको भी पियानो ब्लैक हमने आफ्टर मार्केट पेंट करवाया। लेकिन फिनिशिंग बहुत ज्यादा प्यारी आई है, देखने में लग नहीं रहा है कि आफ्टर मार्केट काम हुआ है। अब ये जो डोर है ना, इसके अंदर टू लेयर डैम्पिंग हुई है, एक पीछे उसके आगे एक और लेयर की डैम्पिंग हुई है। अब ये काम हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था। अब स्पीकर की बात करें ना, मैंने इसमें बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम डलवाया। इसमें ना सोनी की ये सीरीज डली है पूरी की पूरी, आगे डला है कॉम्पोनेंट और पीछे डले है कोएक्सल। तो इसका जो आउटपुट है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो भी आपको एक बार मैं सुना दूंगी। जैसे ही आप इसकी एंट्रेंस पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन वाली स्कफ प्लेट नजर आएगी, जिसमें से जो स्कॉर्पियन है ये इल्यूमिनेटेड है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये महिंद्रा जेन्युइन है। और नीचे यहाँ पे देखोगे ना, तो इसके ऊपर से पन्नी मैंने हटाई नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच पड़े हुए, तो मैंने कहा पड़े रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। और यहाँ मैट्स देख सकते हो आप, मैंने ईगल के मैच लगवाए। आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा गंदे हो रखे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो कीचड़ लग जाता है। बाकी गाड़ी मैंने पूरी की पूरी अभी की अभी साफ किया, बट ये बाद में ही साफ होने वाली चीज है, तो मैं इसको साफ नहीं कर पाई। और ये देख सकते हो, इन मैट्स के नीचे मैंने फ्लोरिंग भी करवाई है। अब आ जाती है मेन चीज की बारी भाई, इसके सीट कवर देख लो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आइस ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखवाया है पूरे कैबिन में। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा क्लासी लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बर्फी वाला क्विल्ट वाला पैटर्न रखवाया है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट पैटर्न है। और सेंटर में मैंने यहाँ पे परफोरेटेड डिजाइन रखवाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस साइड से देखो, होल्ड करने वाला एकदम प्रॉपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके नेकरेस में सेंटर में हमने क्विल्ट पैटर्न रखवाया है, साइड में प्लेन ब्लैक लेदर रखवाई है। इसको ना मैं हटा के भी एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो। और यहाँ पे अगर आप इसका हेडड्रेस देखेंगे, तो इसके ऊपर स्कॉर्पियन का ठप्पा लगवाया है, ये ग्रे कलर में। साइज हमने इस पे ब्लैक रखवाई है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है सीट्स, और फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आई है। बाकी अगर आप नेकरेस पे देखोगे ना, तो उस पर थोड़े से रिंकल्स है, यहाँ पे भी आपको सीट कवर पे नजर आ रहे होंगे, बट ये टाइम के साथ चले जाएंगे। जैसे ही फ्रेश सीट कवर्स लगते हैं ना, थोड़े थोड़े रिंकल्स रह जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका आर्मरेस देखोगे, तो बेस वेरिएंट Z2 में ना प्लास्टिक का आर्मरेस आता है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता हाथ रखने में। तो इस पे लेदर तो मेरे को चढ़वानी थी, अब सेम कॉम्बिनेशन में लेदर चढ़वाई है, जिसमें से 3x4 तो आपको व्हाइट यानी कि आइस ग्रे कलर में लेदर मिलेगी, और दूसरी साइड इतना आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा होगा। इसके ऊपर यहाँ पे सेम में हमने स्टिचिंग रखवाई है ग्रे कलर की, बहुत ज्यादा प्यारा सा सिंपल सा डिजाइन लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसके AC वेंट्स देखेंगे ना, तो ये वाला जो आप पैनल
पैनल देख रहे हो ना, छोटा सा जहां आपको पियानो नजर आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा ग्लॉस आता था, हमने इसके ऊपर ना पूरा पियानो ब्लैक करवा दिया, जो बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक और ग्रे का, इसके लिए हमने ऐसा करवाया। और इसके अलावा ना ये वाला जो पैनल है ना, ये भी आपको रफ ब्लैक में ही मिलता है Z2 में, तो इसको भी हमने पूरा का पूरा ग्लॉस करवा लिया। देख सकते हो कितना प्रीमियम लग रहा है। तो भाई आप देख सकते हो इसका मेन इंटीरियर, यहाँ पे हम आके बैठ गए। इसका स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं, और कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। हमने ना ड्यूल कलर में इस बार स्टीयरिंग व्हील रखवाया, मैंने पहले कभी नहीं करवाया, पहली बार ऐसा करवाया। ब्लैक और साइज ग्रे कलर का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी रखवाया, जिसके ऊपर आप यहाँ पे जिगजैग स्टिचिंग देख सकते हैं। और साइड्स में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल स्टिचिंग ही डाली गई है। बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी जो फिनिशिंग है ना, वो भी बहुत ज्यादा सुंदर आई है, कहीं से कहीं तक कोई कमी लग नहीं रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आफ्टर मार्केट करवाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। देन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने जो कंट्रोल्स लगवाए हैं ये ग्लॉसी है। ये जो कंट्रोल्स है, अगर आप इसके टॉप वेरियंट में भी देखोगे ना, तो ग्लॉसी नहीं आते हैं। ये है महिंद्रा जेन्युइन ही, पर स्कॉर्पियन के नहीं है। ये है XUV700 वाले कंट्रोल्स, जो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, और इसके सराउंड में ना आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। दोनों के दोनों वर्किंग है। अगर आप बेस वेरिएंट में यानी कि Z2 में देखोगे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड वाले कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट साइड वाले नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे दोनों साइड वाले हमने लगवा लिए, राइट साइड वाला भी लगवा लिया, और XUV700 के ही लगवाए हैं, और ये प्रॉपरली वर्किंग है। ये वाले मैं आपको कंट्रोल करके दिखा देती हूँ, ये देखो। अब अगर आप राइट साइड वाले कंट्रोल देखोगे ना, तो ये जो क्रूज कंट्रोल है ये वर्क नहीं करते। अगर कभी वर्क करे तो वो करेक्शन सारा करवा के मैं आपको दिखा दूंगी, बट फिलहाल के लिए बस शोके हैं ये। उसके अलावा MID के ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, आप देख सकते हो। वैसे अगर आप Z2 में देखोगे ना, तो यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं, बट इसका कनेक्शन ना मैंने यहाँ से हटवा के यहाँ स्टीयरिंग पे लगवा दिया, क्योंकि अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, तो यहाँ पे कंट्रोल होना ज्यादा हैंडी रहता है, आपको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ में ही कंट्रोल्स रहते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ऑटो ऑफ यहाँ पे वर्क कर रहा है, और इसके अलावा हेडलैम्प लेवलर इस वाले हेडलैम्प के साथ, यानी कि टॉप वेरियंट वाले हेडलैम्प्स के साथ भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो MID के चार कंट्रोल्स है ना, ये वर्किंग नहीं है अभी। और इसके इंटीरियर में जो सबसे बेस्ट चीज है ना, वो है ये इन्वॉल्व का गोल्ड लीफ परफ्यूम। इसके साथ ऐसा टैग आता है, उसको मैंने यहाँ पे हैंग कर रखा है। जब भी कहीं जाना हो ना, इसको ऐसे दो बार स्प्रे कर दो भाई। इतनी बड़ी सारी गाड़ी है, फिर भी पूरी गाड़ी में खुशबू फैल जाती है, और इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस है ना, कि कोई भी आपकी गाड़ी में आके बैठेगा ना, डेफिनेटली आपसे पूछने वाला है भाई गाड़ी में लगाया क्या है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है यार। ये तो अपनी स्कॉर्पियो N के लिए, बट मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, आप भी परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना, 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। इसमें हमने वाइपर भी लगवाया, तो इसकी जो असेंबली है ना, ये भी पूरी चेंज हुई है, क्योंकि इसमें ना आपको स्विच भी मिल जाता है रियर वाले वाइपर को कंट्रोल करने का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे, जो सबसे अनवर्दी मॉडिफिकेशन है, वो है ये सोनी की बैजिंग वाला। यहाँ पे सिर्फ जाली है, स्पीकर नहीं है, सिर्फ जाली है, जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती, 9,250 रुपए का है। बाकी एक बार लुक देखो यार, कितनी सुंदर आती है लगवाने के बाद, इसलिए मैंने ये लगवा लिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बट मेरी तरफ से बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है यार, इतने पैसे बचवा के ना कहीं और लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। अब भाई एक बार जरा ना इसका इंटीरियर देखो, कितना ज्यादा क्लासी लग रहा है यार देखने में। कॉम्बिनेशन ना नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप इसका ये वाला पूरा पैनल देखोगे ना, इस पे हमने लेदरेट कोटिंग करवाई है। सीधी भाषा में बताऊं तो ये एक पेंट ही है, बट देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लेदर ही चढ़ी। और देखो तो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। बाकी जो स्कॉर्पियन है और ये जो फेक स्टिचिंग आती है, तो पहले से ही आती है, उसके ऊपर पेंट चढ़ा है, तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पैनल है, इसको पूरा ग्लॉसी करवाया है। ये वाला जो फ्रेम आप देख सकते हो ना, ये ग्लॉस में नहीं आता है, ये रफ ब्लैक में ही आता है सारा का सारा, तो इसको भी हमने ग्लॉसी करवाया। देख सकते हो कितना ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ जो गियर नॉब है ना, उसके अराउंड भी हमने सेम सिल्वर फिनिश रखवाई है, जैसे हमने बाहर के पार्ट्स पे रखवाई थी। एक और चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी, इसलिए मैंने करवा ली। ये है एंटी स्किड मैट। ये 8 पीसेस के सेट में आती है। पहला पीस आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट पीस यहाँ पे लगता है, इसके पीछे पूरा का पूरा ग्लॉसी पैनल है, तो पहला यहाँ पे लगा दिया। बाकी दूसरे नंबर वाला यहाँ पे लगता है, देख सकते हो आप, यहाँ पे स्किड मैट लगी हुई है, और ये वाला भी। तो तीन तो ये हो गए, दो इस दरवाजे में, दो उस दरवाजे में, तो 5 हो गए। पीछे भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। एक ये यहाँ पे लगता है, जहाँ पे बोतल रखी जाती है, बोतल होल्डर के नीचे। और 8 पीस मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे रखा जाता है। 8 पीस ये है जिसका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे हमने ये सोनी वाली पूरी जाली लगवा ली है, तो अब ये कोई भी काम का नहीं है। मुझे समझ नहीं आया महिंद्रा ने ऐसा क्यों किया, कि अगर कोई टॉप वेरियंट वाला ये चीज खरीदता है ना, तो उसके ये वाला पीस कोई भी काम का नहीं रहेगा। इन 8 के 8 पीसेज में से ना मुझे सबसे सुंदर यही वाला लगा, क्योंकि इसके ऊपर स्कॉर्पियो N की बैजिंग है, जिसमें से N रेड में है, तो बहुत सुंदर लग रहा है, और ये लगा हुआ भी बड़ा प्यारा लग रहा है। एक और चीज है जिसका मुझे ना बड़ा क्रेज था कि मैं लगवाऊंगी, और वो लग गया। ये देख सकते हो सनग्लास होल्डर वाला पूरा ये कंसोल है, जिसमें से यहाँ जो लाइट्स है वो प्रॉपर्ली वर्किंग है। बट ये जो सनरूफ के कंट्रोल्स है, ये कोई भी काम के नहीं है, क्योंकि सनरूफ तो हमारे पास है ही नहीं। देख सकते हो जो सनग्लास होल्डर है ना, इसके अंदर पूरी सॉफ्ट सी फिनिश आती है, तो चश्मे वगैरह यहाँ रखोगे तो प्रॉपर्ली सेट रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे भी नहीं, और उसके ऊपर से स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ते। अब इस गाड़ी का जो मेन हाईलाइट है, वो है इसका 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। सच बता रही हूँ, इस गाड़ी में आज तक जो कोई भी आके बैठे है ना, हर कोई इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, क्योंकि जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रहा है। ये मर्सिडीज जैसी दिखने वाली डिस्प्ले है, साइज भी इतना ज्यादा बड़ा है, और इसका टच रिस्पॉन्स एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो यार, इसका टच रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें ना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारपे दोनों ही वर्किंग है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ,
या आप देख सकते हो इतनी बड़ी स्क्रीन में ना मैप चलते हुए देखने का अलग ही मजा है, बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। शायद यार आपको ना वीडियो में देखने में इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना तो इसके टॉप वेरियंट में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, और अगर आप XUV700 में देखोगे तो उसमें 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, और ये है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो बहुत ही ज्यादा प्यारा भी लग रहा है और साइज भी काफी ज्यादा अच्छा है इसका। बाकी एक बार ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने ना हाइपरसोनिक का 464 GB वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है। हाइपरसोनिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपनी गाड़ियों में हाइपरसोनिक यूज करती आई हूँ। इसका जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एंड्रॉइड ऑटो एपल कारप्ले भी बहुत ही फ्लुएंटली वर्क करता है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इस बार भी हाइपरसोनिक लगवाया। बाकी इसका ना एक बार आपको म्यूजिक सिस्टम भी सुना देती हूँ, और इसमें मैंने 360 डिग्री कैमरा भी लगवाया, तो उसका व्यू भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसकी 360 डिग्री कैमरा का आपको व्यू चेक करवा देती हूँ। अगर मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगी तो लेफ्ट का व्यू दिखेगा, और राइट का इंडिकेटर दूंगी तो राइट का व्यू दिखेगा। जैसे भी मैं यहाँ पे राइट का इंडिकेटर देखती हूँ तो आप देख सकते हो कितना क्लियर व्यू आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं टायर भी काटती हूँ ना तो क्लियरली नजर आता है। तो ये ना काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हो ना तो बहुत ज्यादा इजीली आप ये सब चीजें देख सकते हो। ये सारी की सारी तरफ का ना व्यू बहुत ज्यादा क्लियर है, कैमरास जो है ना जेन्युइनली बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जो इसका टॉप वेरिएंट आता है उसमें ना आपको फ्रंट और रियर कैमरास ही मिलते हैं, उसकी भी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वेयर एज इसमें 360 लगवाया और बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी मैंने ना अपनी गाड़ी में बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगवाया, मैं अपनी हर गाड़ी में अच्छा म्यूजिक सिस्टम प्रेफर करती हूँ, तो इसमें भी लगवाना ही था। इसमें ना मैंने सोनी की ES सीरीज लगवाई है, जो कार ऑडियो में ना सबसे हाईएस्ट रेंज की सीरीज है, जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फ्रंट पे ना यहाँ पे मैंने सोनी के ES के कंपोनेंट लगवाए हैं, और रियर में मैंने कोएक्सल लगवाए हैं, और इसके साथ साथ इसमें पाइनियर का 4-चैनल एम्प लगा है और JBL का 1300 वोल्ट का वूफर भी लगा है। तो जो इसका आउटपुट है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो गया। एक बार ना आपको आवाज भी सुना देती हूँ, यार देखो जितना फोन का माइक रिकॉर्ड कर सकता है उतना मैं आपको सुना पाऊंगी। अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि नहीं अच्छा, तो प्लीज एक बार आप मुझे मेल करना और आके मेरी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम सुन लेना, क्योंकि जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं प्ले करके आपको दिखा देती हूँ। यार मुझे नहीं पता कि आप कितना जज कर पाए होगे या नहीं कर पाए होगे, क्योंकि आपको फोन में से ऑडियो सुनाई दे रही है, बट जेन्युइनली इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता देती हूँ, उसका जो टॉप वेरिएंट ZTEL है ना उसमें 12 स्पीकर सिस्टम आता है, सोनी का ही आता है, उसके कंपैरिजन में इसकी जो आवाज है, इसका जो आउटपुट है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा है ही। बाकी सुनना चाहते हो तो मेल वगैरह कर देना और आके सुन लेना खुद से। और हाँ यार, स्टीरियो की ना बस एक डीमेरिट है, वो ये है कि यहाँ पे ना AC वेंट्स कवर हो रहे हैं, और आधे से ज्यादा AC वेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, आप देख सकते हो। अभी तो यार बीते दिनों दिल्ली में काफी बारिश हुई है, तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी AC की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये देख सकते हो ब्लोअर स्पीड 1 पे ही चलता है और ठंडा ही रहता है, जरूरत इतनी फील नहीं होती, गाड़ी का AC काफी ज्यादा अच्छा है। बट यार इसीलिए ना मैंने सोचा कि 8 से 10 दिन इसको ना रख के देख लेती हूँ, ताकि प्रॉपर गर्मी का भी पता चल जाए कि गर्मी में मुझे नीड फील हो रही है नहीं। अब ये जो AC वेंट है ना, ये डायरेक्ट फेस पे हवा नहीं दे रहा है, यहाँ पे इसकी हवा आ रही है। ये नहीं कह रही कि इसकी कूलिंग रुक गई है, कूलिंग जरूर आ रही है, बट डायरेक्टली जहां आनी चाहिए वहां पे नहीं आ रही, क्योंकि ये जो पीस है ये बीच में आ गया है, तो डेफिनेटली ये तो होना ही होना है। तो थोड़े दिन इसको यूज करके देख लेते हैं, अगर मुझे फिर भी कूलिंग प्रॉपर लगी तो यही लगवाए रखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इसको चेंज करवा के हाइपरसोनिक का ही दूसरा लगवा लेंगे, 9 इंच वाला। बाकी आप इसका रियर वाला इंटीरियर भी देख सकते हो, सेम ही सीट कवर्स है, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, सेम ही पैटर्न हमने रखा है। इसके साथ ऐसे कुशन भी बनाए हैं जिसके सेंटर में क्विल्ट है और साइड पे ब्लैक लेदर लगवाई है। बाकी यार इसमें आपको जगह जगह पे यहाँ पे थोड़े बहुत दाग वगैरह दिख रहे होंगे, तो लाइट कलर है, तो ये साथ में आपके साथ ना पनौती आती है, इसको मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। इंटीरियर की ना ग्रेस ही बढ़ जाती है, और भी ज्यादा स्पेशियस लगता है अगर आप लाइट कलर्स यूज करते हो तो। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है ना, सेम आइस ग्रे कलर में हमने रैप करवाया, जिसके ऊपर कप होल्डर तो आते ही आते हैं, और इसके साथ साथ मैट्स वगैरह यहाँ पे भी लगे हैं और थर्ड रो में भी लगे हैं। एक चीज है, ये जो सीट कवर्स बनवाए ना उसके बैक हमने यही रखवाई है, जो कंपनी की तरफ से आता है कंबल वाला पैटर्न, बहुत ज्यादा सही लगता है, तो इसीलिए यही रखवा लिया। थर्ड रो में भी सेम ही सीट कवर्स है। तो कैसा लगा आपको अपनी गाड़ी का इंटीरियर, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, आपके ओपिनियन जरूर से शेयर करना। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।